स्क्रीन तो तुम लोग देख सकते हो, आई एम गोइंग टू टॉक अस अबाउट वॉल ऑफ डेथ। देखो तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, तुम लोग देख सकते हो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन वॉल ऑफ डेथ, और इस बार तो प्रॉपर पिक्चर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं एक एक चीज करके मार्किंग करना चाहता हूँ। सो गाइज लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो ब्लू मार्किंग दिख रहा है तुम लोग, ओके, सो दिस इज माई सेंटर, तो ये हो गया मेरा सेंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज गाइस, दे आर अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो मैं काम करता हूं, मैं ड्रॉ करता हूं इमेज दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, सो यू बी ऑन द स्क्रीन। देखो तो ये हो गया अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स आई हैव लेफ्ट इज, देखो अब दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो हमने ऑलरेडी सीखा था, क्या सीखा था, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। गाइस कौन सा फोर्स होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, कौन सा फोर्स होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके याद रखो कौन सा फोर्स था, यस इट वाज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ या ना। सो नाउ दे आर परफॉर्मिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, हाँ या ना। तो वो हमारा एक ये हो गया, बिकॉज दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सो अवे फ्रॉम द सेंटर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक है, एक पार्ट ध्यान में दिमाग में रखो, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट, अब फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग है ना स्क्रीन पे ध्यान दो, अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, तो तीनों बाइकर्स, द थ्री बाइकर्स आर देयर ऑन दैट पर्टिकुलर, व्हाट दैट पर्टिकुलर, दैट हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रैम्प बोलते हैं, चलो पर्टिकुलर रैम्प, तो पर्टिकुलर रैम्प है, राइट। तो है ना मैं काम करता हूं, पहले ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हटा देता हूं। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग, अभी तुम लोग ध्यान दो, अगर मैं बोलूं दिस बाइकर्स वेट आर एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो मैंने लिखा एक्टिंग डाउनवर्ड्स तो वेट हो गया, एंड वेट इज इक्वल टू एम जी, राइट, हाँ या ना। वेट क्या हो गया, एम जी नीचे हो गया ना, या तो एक काम करो तुम लोग यहां पर ध्यान दो, आई चेंज द कलर गाइस। फॉर एग्जाम्पल देखो, सो दिस तुम लोग देख सकते हो द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, सो यहां पर ध्यान दो, देयर वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, सो दैट इज कॉल्ड एज एम जी, हा या ना, स्क्रीन पे हा एम जी, ठीक है। अब देखो यहां पर ये टायर पे देखो, क्या सी उनका टायर, देखो मैंने हाईलाइट किया टायर, ओके, तो मतलब फ्रिक्शन भी किधर हो गया, ऊपर हो गया। सो मैंने एक एरो डाला और ये रहा हमारा फ्रिक्शन, राइट, या ये रहा हमारा फ्रिक्शन, आई राइट वेरी प्रॉपरली, तो तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। अब वो हो गया फ्रिक्शन, ये हो गया वेट, ऑब्वियसली द नॉर्मल विल एक्ट परपेंडिकुलर, राइट, किसका, वेट के यहां से परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, तो वो आएगा ऐसा सीधा, और ये हो गया मेरा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल किसके तरफ आएगा, सेंटर की तरफ आएगा, और थोड़ा मैं ऐसा एरो बनाता अच्छी तरह से, ओके, सो इट इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सो दैट इज माई नॉर्मल। मेरा डायग्राम खराब है, तुम लोग सिर्फ इतना अच्छी तरह से समझो, फ्रिक्शन ऊपर रहेगा, वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एंड नॉर्मल मतलब वेट के परपेंडिकुलर कौन रहेगा, नॉर्मल। ये फंडा क्लियर है गाइस, आई एम गोइंग टू रब दिस, याद रखना फ्रिक्शन ऊपर, देखो ना लोग ऐसा घूम रहे, यू सी ऑन द स्क्रीन घूम रहे, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऊपर है, वेट किधर आएगा, नीचे आएगा, एंड नॉर्मल क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द वेट, हमेशा याद रखना वेट के उधर ही होता, परपेंडिकुलर टू द वेट नॉर्मल आ गया। तुम्हारा डायग्राम देखो, अब मुझे और एक चीज बताना है गाइस, कैन यू सी दिस, दे आर ऑन द रैंप एंड दे आर गोइंग राउंड, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, वी फाउंड अ वैल्यू कॉल्ड एज वी मिनिमम, हाँ या ना। सो व्हाट वाज माय वी मिनिमम, वाज रूट ऑफ आर जी अपॉन स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तुम लोग म्यू एस करके लिख सकते हो। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन माय मिनिमम वेलोसिटी वाज रूट ऑफ आर जी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ यू सी ऑन माय राइट साइड गाइस, अभी याद रखना
इनको इतना स्पीड मेंटेन करना है, कितना स्पीड, ये वी मिनिमम स्पीड। अगर ये स्पीड वो मेंटेन नहीं करते तो ये बाइकर्स क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। यानी कि दे शुड हैव अ मिनिमम स्पीड, इसके लिए बोला था वी मिनिमम, मिनिमम स्पीड ये घूमने के लिए। देखो तुम लोग मेरे कर्सर पे देखो, ये घूमने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, इतना मिनिमम स्पीड दे रिक्वायर। सो ये मिनिमम स्पीड पे वो क्या करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। अब हो गया, तो ये था वी मिनिमम, दैट इज रूट ऑफ आर जी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज गाइस, जब इनका मिनिमम स्पीड कम होगा, इनका जब मिनिमम स्पीड, अभी देखो बिकॉज दे हैविंग अ स्पीड, इसके लिए वो ऊपर गया, तो दे आर अवे फ्रॉम द सेंटर, याद आए, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो कैन आई से दे आर ओ सॉरी, कैन आई से, या कैन आई से दे आर हैविंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो दे हियर इज हैविंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये पोजीशन पे गाइस, ये पोजीशन पे उनका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। नाउ यू लिसन, जैसे स्पीड मिनिमम होगा, जैसे स्पीड मिनिमम होगा, लिसन ना, तो मैंने क्या किया, देखो ऐसा एक ब्लॉक कर दे, ओके। नाउ जैसे ये स्पीड मिनिमम होगा, दे आर गोइंग टू कम अगेन टू दी, वापस किधर आएगा, वो सेंटर में, तो दे केम बैक टू द सेंटर। देखो ये पूरा बाइकर्स क्या आएगा, वापस क्या आएगा, अगेन किधर आएगा, सेंटर पे। जब ये लोग सेंटर पे आ गया, तो वी नो व्हाट दैट फोर्स इज कॉल्ड एज, एंड वी कॉल इट एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ या ना। अब तुम लोग एक बात ध्यान दो, जैसा मैंने बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस किया, सेंट्रीपिटल फोर्स ने बैलेंस किया, हाँ या ना गाइस। इट्स लाइक इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर तुम लोगों ने सुना रहेगा तो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दे टेक एक्सिलरेशन एज जीरो, सुनो अच्छी तरह से, ओके। तो जहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता, यानी कि क्योंकि फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो होता है, बिकॉज यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स इज एम ए, समझो एक्सेलरेशन जीरो है, तो फोर्स का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इट्स सेड दैट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो मैंने स्क्रीन पे लिखा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखो इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ये भी स्क्रीन देखो ना तुम लोग, फॉर एग्जाम्पल जैसे मिनिमम वेलोसिटी हो गया, देखो स्क्रीन पे से ध्यान दो, मेरे हाथ को भी ध्यान दो, वो नीचे नीचे आएंगे सेंटर के तरफ, एंड दैट फोर्स विच इज कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज वॉट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसने सपोर्ट किया, सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे आर हियर ऑन द टॉप, हाँ या ना। देखो ये ऊपर है, टॉप में है, जैसे इनका वी मिनिमम का वेलोसिटी और कम हो जाएगा, सो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, एंड दैट इज सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूं तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो गाइस, यहां पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है, हाई या ना, सो व्हाट विल बाय माय वैल्यू विल बी हियर इज प्लस, एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में आया, मैंने बताया था गाइस, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में लेता है, व्हाट इज द साइन वी टेक, व्हाट इज द साइन वी टेक, सॉरी किडिंग, व्हाट इज द साइन वी टेक इज माइनस। कुछ भी चीज हो जो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो उसका मैग्नीट्यूड वी टेक इज माइनस, ओके। तो यहां पर क्या हो गया, साइन माइनस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहां पर साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। सो गाइस, सो हियर माई साइन इज माइनस बिकॉज इट केम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस हो गया, और ये था विद द डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, प्लस। सो प्लीज बी ऑन द स्क्रीन, तो हम लोग जरा स्क्रीन पे ध्यान देते हैं, तो वेन वी सी, हमें मालूम है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिला था हमें, व्हाट वाज द फॉर्मूला वी गॉट इज वी स्क्वायर अपॉन आर और ओमेगा स्क्वायर आर, राइट, याद है हम लोग को, तो मैंने तुम लोग को इसका इक्वेशन डेरिवेशन करके दिखाया था। सो गाइस आई वांट यू टू सी राइट नाउ टुवर्ड्स माय राइट साइड, मेरे राइट साइड पे ध्यान दो गाइस, सो दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स, सो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला आएगा गाइस, मैंने ऑलरेडी डिराइव कर चुका था, ओके। सो एफ सी पी इज इक्वल टू
एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब सुनो, मैंने अगर इसको वेक्टर लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर। आई एम नॉट डन विद दिस, आई अभी तो पिक्चर बाकी है। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर, याद करो, हाँ या ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। सो एफ सी एफ, उसका भी वैल्यू क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, अब मैंने यहां पर वेक्टर लिया, सो मैंने वहां पर भी वेक्टर डाला। अब सुनो, ओके, इट वाज इन ऑपोजिट इन दिस, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस, ठीक है, याद रखना साइन माइनस आया था, और इसमें साइन क्या आएगा, प्लस। हम लोग ने ऑलरेडी, मैं चाहता हूं तुम लोग वापस स्क्रीन पे ध्यान दो, सो वी कैन सी ये माइनस हो गया बिकॉज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस इज प्लस बिकॉज का डायरेक्शन था बाहर की तरफ, एंड वी वर परफॉर्मिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्चुअली बैलेंसिंग द सेंट्रिपिटल विद द हेल्प ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। सो कीप दिस इन योर हेड एंड डोंट गेट कंफ्यूज। इवन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी याद रखना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बोलते हैं एक्सेलरेशन इज जीरो, एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो पहला जो है वो वैलिड नहीं है, और दूसरे में टू बैलेंस। ये देखो, अब ये तो ऑलरेडी हमारा डायग्राम से क्लियर है कि ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स ने बैलेंस किया, ठीक है। सो कीप दिस इन योर हेड, वी आर गोइंग फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हम लोग सीखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। बट उससे पहले मुझे तुम लोगों हॉरिजॉन्टल रोड के बारे में बताना है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल रोड यूज क्यों नहीं करते और बैंकिंग ऑफ द रोड क्यों। सो चलो आगे वीडियो पे जाते हैं, चलो टॉपिक देखो। अगर तुम लोग देखते हो इस इमेज को और इस इमेज को देखो, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गेट ऑन द स्क्रीन, तुम लोग मेरे राइट साइड में देखो, ये कार को देखो, दैट कार इज इन हॉरिजॉन्टल, ये कार भी देखो हॉरिजॉन्टल, एंड फाइनली देखो ये कार है ना बाहर गया, बाहर गया। सो दिस इज वॉज, ये जो स्ट्रक्चर है, तुम लोग मेरे ना राइट साइड पे देखो, तुम लोग जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इज ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड। सो हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स सी इश्यूज ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। ओके, सो गाइस अगर तुम लोग देखो मेरा पहला इशू है ना, तो यहां पर फ्रिक्शन जीरो रहेगा, गाइस माय फ्रिक्शन विल बी जीरो, कुछ भी रीजन हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज ड्यू टू रेन, ठीक है, एक रेन हो सकता है, या समझो ऑयल स्पिल। देखो अभी बैंकिंग ऑफ द रोड में भी ऑयल स्पिल में इशू हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रोड में ज्यादा ही कुछ इश्यूज होगा, ठीक है। सो एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्यू टू रेन। ड्यू टू रेन क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। देखो अभी ये कार को देखो, तुम लोग मेरे राइट साइड में देखो कार को देखो, ये कार हॉरिजॉन्टल रोड पे है। देखो अभी हम लोग, ये ऊपर व्यू है, तुम लोग एक काम करो, कंसिडर करो कि वो कार तुम्हारे सामने है, सामने है तो सामने कैसा दिखेगा, सर स्ट्रेट दिखेगा। गाइज ये कार आगे गया, और फाइनली देखो इसको यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं मिला, देखो, एंड द कार जस्ट वेंट आउट, देखो सीधा बाहर, और वो खाई में गिर गया। ये कार देखो, ये कार को जो मैंने सर्कल किया है। अब ये कार जो उसकी बाजू में जो कार है गाइस, उसको मत देखो, हम बाद में आते हैं। सो हमारा पहला इशू हो गया, फ्रिक्शन जीरो बना, बिकॉज फ्रिक्शन जीरो इसके लिए बना बिकॉज ड्यू टू रेन, इवन ऑयल स्पिल, देयर आर मेनी अदर रीजंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्मूथ रोड वो कभी होगा नहीं, स्मूथ रोड कभी नहीं बनता है, और रोड्स आर रफ, रफ होगा ही तो हमें क्या मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा, राइट। या गाइस अभी दूसरा चीज क्या, देखो अगर फ्रिक्शन जीरो होता है तो क्या होता है, देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन, ठीक है गाइस, वहां पर सर्कुलर मोशन नहीं होगा, देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन एंड नो सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड नो सेंट्रिपिटल फोर्स। द बेस्ट एग्जाम्पल मेरे राइट साइड में इस कार को देखो, देखो ना मैं हाईलाइटर किया, देखो इस कार को देखो, रेड कलर से हाईलाइटर पे खड़ा, देखो इस कार को देखो, वो कार क्या हो गया, देर वॉज नो सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो कार क्या हो गया, सीधा रोड के बाहर चला गया। सो डेंजरस, सपोज समझो तुम लोग गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी अचानक सीधा सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की तरफ हो गया, और वो सीधा गिर गया, ठीक
ठीक है। अभी यहाँ पर याद रखना, अभी तुम लोग बोलेगा सर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स हो गया, तो सेंट्रिपेटल फोर्स वाज देयर टू हेल्प, आपने ही बताया था, लेकिन बाबा वहां पर फ्रिक्शन नहीं है बेटा। हमने ऑलरेडी बोल चुका है कि फ्रिक्शन क्या है, का है फ्रिक्शन, जीरो, कल लगा आता। सो इसके लिए क्या हो गया, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को सेंट्रिपेटल फोर्स ने बैलेंस नहीं किया और वो कार सीधा तुम लोगों को लेके गया सीधा खाई के बाहर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देखो यहां पर ध्यान दो, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हो गया, सेंट्रिपेटल फोर्स नहीं था। सेंट्रिपेटल फोर्स रहता तो उस कार को इस तरफ खींचता, राइट? देखो ये देखो मेरे राइट साइड में, देखो इस तरफ खींचता, लेकिन सेंट्रिपेटल फोर्स था ही नहीं तो उसको किस तरफ खींच लिया, बाहर की तरफ। एंड दैट वॉज वॉट, जो बाहर की तरफ खींचता वो क्या होता है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। वो सीधा गया खाई में, गिर गया। गेटिंग इट? समझा मेरी बात को? सीधा खाई में गिर गया, सीधा बाहर गया और खाई में गिर गया। इसके लिए वी कम टू अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है गाइस, तो और एक चीज है, ये लोग ने इनका फॉर्मूला दिया था। व्हाट वाज द फॉर्मूला गिवन? देखो मैक्सिमम स्पीड, देखो दैट इज व्हाट वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। मालूम है ना, ये दिया था हम लोग को हॉरिजॉन्टल रोड पे, राइट? तो हम लोग को ये मैक्सिमम स्पीड था गाइस। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, वी कांट अटेन अ सेम स्पीड। याद रखना, वी नेवर कैन अटेन अ सेम स्पीड। इसमें हम लोग कभी सेम स्पीड अटेन नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। अरे यार, तुम लोग कभी चलते हो तो कभी फास्ट चलते हो, स्लो चलते हो और स्लो चलते हो, राइट? तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो एक एक की पर्टिकुलर स्पीड में, अगर समझो तुम लोग अभी ब्रिज पे गाड़ी चला रहे हो और वहां पर लिखा है कि स्पीड लिमिट है 60, तुम्हारे जो गाड़ी का जो डायल होता है, यार कि तुम्हारा स्पीडोमीटर होता है, वो दिखा रहा है 100, वो क्यों दिया होता है 100 तुम लोग ने, वो क्यों दिया रहता है 60? बिकॉज 60 के स्पीड के बाहर तुम लोग गाड़ी चला रहे हो तो शायद से गाड़ी तुम्हारे कंट्रोल के बाहर होने का चांसेस है। देखो व्हेन यू आर ऑन द ब्रिज, तो ब्रिज पे हमेशा तुम्हारे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि इंडिया में राइट हैंड ड्राइविंग है, ओके? तो तुम्हारे लेफ्ट साइड पे यू कैन सी वो तुम्हारे, ये देखो ना स्क्रीन, ऐसा स्पीड बैरियर दिया जाता है, स्पीड लिमिटर दिया जाता है, एंड इन दैट इट इज रिटन 60, ठीक है? और तुम लोग जब तुम्हारे स्पीडोमीटर में होते हो 80 या 100, वो क्यों देते हैं? वो दे आर नॉट मैड, दे हैव गिवन सो दैट फॉर आर सेफ्टी। नहीं तो गाड़ी क्या हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट पे चला जाएगा और यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द व्हीकल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डोक्यात गेला, ठीक है? ओके, थोड़ा थोड़ा मराठी मुझे भी आता है, सो दैट्स वाई, सो कीप इट इन योर हेड। अभी गाइस अगर तुम लोग है ना अगले डायग्राम को जरा ध्यान दो, सो दिस डायग्राम इज हैविंग अ फ्रिक्शनल फोर्स। देखो ओके, सो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स, राइट? दिस हैपेंड अ सेंट्रिपिटल फोर्स। सो गाइस देखो ना, ये यहां पर ऐसा थोड़ा टिल्ट हो गया, राइट? क्या हो गया? टिल्ट। स्क्रीन पे ध्यान दो, टिल्ट हो गया। सो ये जो टिल्ट हो रहा है ना, ये जो फैक्टर, इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, यानी कि रोड को थोड़ा टिल्ट किया। गाइस अगर तुम लोग ने स्क्रीन में देखा तो हम लोग ने लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि इश्यूज विथ हॉरिजॉन्टल रोड्स। ओके, सो मैंने तुम लोग को एक इमेज के थ्रू बताया था कि हॉरिजॉन्टल रोड के इश्यूज क्या है। तो गाइस अगर तुम लोग इस बस को देखते हो तो यू कैन सी दैट, इस बस को तुम लोग जरा अच्छी तरह से ध्यान दो, तो व्हाट यू सी हियर इज, देखो यहाँ के जो रोड है थोड़ा टिल्ट है, हाँ या ना? सो द रोड इज टिल्ट, हाँ या ना? तो ये रोड टिल्ट है, सो व्हाट आई कैन से इज दिस इज कॉल्ड एज बैंक्ड रोड, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बैंक्ड रोड, ठीक है? सो एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी कि हम लोग क्या करने वाले, मतलब है क्या, इसको कंसिडर करेंगे टीटा, ठीक है? अब ये टीटा कैसे आया, ठीक है, ये टीटा भी कैसे आया मैं बताता हूं। मतलब ये रोड देखा ना तुम लोग ने, अगर अच्छी तरह से स्क्रीन पे ध्यान दो, सो वी कैन से दैट दिस रोड इज टिल्ट, थोड़ा टिल्ट है। रेसिंग कार में तुम लोग देख सकते हो, रेसिंग कार्स के जो रेस ट्रैक्स होते हैं, नॉट रेसिंग कार में देखना, सॉरी, रेसिंग ट्रैक में तुम लोग देख सकते हो कि कार कैसा वुम ऐसा नीचे जाता है, राइट? दैट इज बिकॉज दैट इज अ बैंक्ड रोड। ओके, और हमें बैंक रोड में थोड़ा फ्रिक्शन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स का मदद मिलता है। सो एक काम करता हूं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग है ना, चलो देखते,
ओके सो गाइस ये एक कार है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज वी आर गोइंग टू लर्न इज बैंकिंग ऑफ रोड. ओके तो हम लोग मैं जरा स्क्रीन एडजस्ट कर लेता हूँ. या सो हमारा जो टॉपिक है गाइस अगर तुम लोगों ने जरा ध्यान दिया रहेगा तो व्हीकल ऑन अ बैंक रोड. ठीक है सो मैं जस्ट लिख के रख लेता हूँ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड. सो व्हीकल ऑन अ बैंक रोड एंड आई रियली वॉन्ट तुम लोग इसका नोट्स ले लेना. ठीक है ऑन अ बैंक रोड. ओके लेट्स स्टार्ट. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कीप द हैंड राइटिंग. सो गाइस पहला है हम लोग को देखना है कि समझो कि हम लोग को वेलोसिटी निकालना है. ठीक है सो आवर मेन एम इस पर्टिकुलर बैंकिंग ऑफ रोड से वेलोसिटी निकालना है. ठीक है सो हम लोग देखते हैं कि लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज कैन यू सी कार. ओके तो कार का वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स राइट. सो मैं पहला लिखता हूं यहां पर. ओके फर्स्ट पॉइंट इज वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. अभी और एक चीज तो याद रखना वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. तो मैंने क्या किया देखो तो यू कैन सी दैट. ओके तुम लोग यहां पर तुम लोग देख सकते हो यहां पर एक टिल्ट है एंड वी हैड केप्ट इट विद टीटा. ओके टीटा इज दैट एंगल ऑफ बैंकिंग. तो हम लोग ने क्या किया उसको टीटा पकड़ा है. ठीक है अब तुम लोग देखो कि द नॉर्मल इज एक्टिंग परपेंडिकुलर. हाँ या ना. सो हमारा जो नॉर्मल है राइट या आई वॉन्ट टू एक्चुअली गो विद द डैश. ओके सो नॉर्मल इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रोड. सो मेरा अगला पॉइंट है आई वॉन्ट यू टू सी नॉर्मल एंड इज एक्टिंग perpendicular to the road. Is acting perpendicular to the road. So guys, तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो तो ये हमारा रोड है. देखो ये 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 हमारा रोड है. ओके एंड इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रोड. तो देखो ये रहा हमारा नॉर्मल. ओके नाउ दिस नॉर्मल इज रिजॉल्व बाय टू कंपोनेंट्स. अगर तुम लोग देख सकते हो तो वी कैन सी दैट इट इज रिजॉल्व बाय टू कंपोनेंट्स. हाँ या ना. सो नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल एन इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. Is resolved into two components, ठीक है? So वो दो components कौन सा है? N cos theta and N sin theta, right? तो N cos theta तो पहला component है, guys तुम लोग जरा screen पे देखो N cos theta. So it is resolved into N cos theta. See अभी N cos theta क्यों है? Because यहाँ पर है ना theta है. Just see on the screen, देखो यहाँ पर भी क्या है theta है, okay? So because theta is this side, so it is resolved into n cos theta. Okay, that is vertical. देखो तो vertically resolved into component that is n cos theta because theta is here. And horizontal में resolve किया. देखो मैं तुम्हारे ये करता हूँ. Okay guys, ये diagram तुम्हारे textbook में है. ठीक है. So it is resolved. Okay, तो ये है perpendicular. ओके सो एन साइन टीटा इज क्या यार मुझे उल्लू बना रहा. ओके सो एन साइन टीटा ओके हॉरिजॉन्टल में और एन कॉस टीटा वर्टिकल में. ठीक है तो एन कॉस क्योंकि एन कॉस टीटा है बिकॉज ये टीटा है गाइस. नाउ आई विल डेफिनेटली टेल यू ये टीटा कैसे आया. आई बी एक्सप्लेनिंग कि ये टीटा तुम्हें कैसे आया. ओके शुड आई चेंज द कलर. ठीक है मैं कलर चेंज करता हूँ. तो आई डेफिनेटली आई टेल यू. ओके आई रब दिस. ओके सो आई डेफिनेटली आई शो यू कि ये टीटा कैसे मिला. तुम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट में देखना. ठीक है यहाँ पर टीटा है और ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है राइट. ओके वर्टिकल में एन कॉस टीटा बिकॉज ये टीटा है इसके लिए एन कॉस टीटा है और हॉरिजॉन्टल में एन साइन टीटा. तो और एक चीज गाइस दिस इज गोइंग. देखो अभी ये देखो ये कौन सा फोर्स. देखो ये अभी गाड़ी इस तरफ जा रहा है राइट इस तरफ जा रहा है. तो गाइस कौन सा फोर्स रहेगा गाइस दैट इज आर सेंट्रिपिटल फोर्स राइट. उसको क्या कर रहा है बाहर की तरफ खींच रहा है. इफ आई वांट यू टू शो इट तो मैं चाहता हूं तुम लोग इस डायग्राम पे ध्यान दो. ओके इसको किस तरफ आएगा ये बस किस तरफ आएगा नीचे की तरफ बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स राइट.
हाँ या ना, फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स तो नीचे की तरफ खींच रहा है उसको, तो ये कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स, राइट? तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स होगा एंड ये कर्व है, इसके लिए बैंक रोड है, ठीक है? तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो एन इज रिजॉल्व इन टू टू कॉम्पोनेंट्स, तो एक काम करते हैं हम लोग इसकी इक्वेशन कर दे। सो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो इट बिकम्स, स्क्रीन पे ध्यान दो, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है? तो हम लोग पहला काम करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, देन ये साइड में उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो शाल आई स्टार्ट फर्स्ट? ओके, आई विल रब दिस, बाय 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 बाय। ओके या सो पहला है, देखो मैं चाहता हूं तुम लोग थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दो। कैन यू सी एन कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी? देखो ना, एम कॉस थीटा, देखो एन कॉस थीटा, डिड यू सॉ एन कॉस थीटा एंड इट इज बैलेंसिंग, किसको बैलेंस कर रहा है गाइस? एम जी, कैन यू सी दैट? ओके, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में डायग्राम पे ध्यान दो। दिस एन कॉस थीटा इज बैलेंसिंग एम जी, राइट? सो हम लोग पहला पॉइंट इक्वेशन में लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, फर्स्ट थिंग दैट एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा बैलेंसेस बैलेंसेस एम जी, राइट? द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और उसको कौन, देखो यहां पर देखो एम जी मतलब क्या है, मेरा वेट है, राइट? दिस इज माई वेट, हाँ या ना? सो वेट का फॉर्मूला एम जी है एंड दिस एन कॉस थीटा इज बैलेंसिंग होम एम जी। सो एन कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी, देयरफॉर एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है? व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू राइट माय सेकंड पॉइंट आल्सो, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, तुम्हारे बुक के हिसाब से आई विल गो दैट। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड, सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड टू एन साइन टीटा, हा या ना गाइस? ओके, इज प्रोवाइडेड टू एन, इज प्रोवाइडेड टू एन साइन टीटा, ठीक है? सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड टू एन साइन टीटा, यू कैन सी दैट। देखो तुम लोग देखो यहाँ पर स्क्रीन पे, देखो एन साइन टीटा कहाँ लिखा है, देखो स्क्रीन पे ध्यान दो। सो दिस इज माई एन साइन टीटा, राइट? ओके, गाड़ी को किस तरफ खींच रहा है गाइस? नीचे की तरफ, राइट? नीचे की तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर मैंने बताया था कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रिपिटल, राइट? इट इज पुलिंग डाउनवर्ड्स, तो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स। सो एन साइन टीटा, सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड टू व्हाट, एन साइन टीटा, है कि नहीं? सो देयरफॉर एन साइन टीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस एज इक्वेशन वन एंड देन आई एम गोइंग टू पुट दिस एज इक्वेशन टू, और हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स सॉल्व विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्क्रीन पे आ जाओ, सीधा स्क्रीन पे आ जाओ गाइस। ओके, सो लेट्स सॉल्व। मैंने इक्वेशन वन एंड टू ले लिया, सो डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। ओके, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करेगा। सो व्हाट वाज माय इक्वेशन टू, वाज, लेट्स राइट एन साइन टीटा अपॉन, व्हाट इज माय इक्वेशन फर्स्ट इज गाइस, दैट इज एन कॉस टीटा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूँ, व्हाट वाज माय एन साइन टीटा, वाज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। गाइस ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर कैसे है मालूम है ना गाइस? दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, दैट इज एम जी। अभी हमेशा याद रखना, नीचे कुछ नहीं रहेगा तो वी विल कंसिडर इट एज वन। तो सुनो, पहली बात, ये एन और ये एन कैंसिल। आई वॉन्ट यू टू नो दैट साइन कॉस थीटा अपॉन साइन टीटा अपॉन कॉस थीटा, व्हाट इज साइन टीटा अपॉन कॉस थीटा गाइस, दैट इज टैन टीटा। अब हम लोग जरा इसके साथ थोड़ा ये करते हैं गाइस, तो क्या हो जाएगा, देखो एम वी स्क्वायर, देखो स्क्रीन पे देखो, अपॉन आर इनटू, अभी देखो ये जो वन है ना, ये उल्टा ऊपर जाएगा, तो जैसे ही उल्टा ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, वन अपॉन एम जी, राइट? सो आई वॉन्ट यू टू बी ऑन द स्क्रीन गाइस, ये एम और ये एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है? हमें ये मिल गया, राइट? सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर इज, देखो टैन टीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, लिखने दो रस। ओके, सो टैन टीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो ये वैल्यू मुझे मिल गया है। सो व्हाट इज
ओके टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सो हमें वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए था, तो एक काम करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो आर जी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट, ये आर जी इधर जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उधर, तो मुझे मिलेगा आर जी टैन थीटा। ओके इट वॉज अ स्क्वायर, तो हम लोग सीधा रूट निकालते हैं, सो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। गाइस व्हाट इज रूट ऑफ आर जी टैन थीटा इज, दिस इज नोन एज द मोस्ट, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू, इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड, ठीक है, इस वैल्यू को बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड, ठीक है, मतलब इसमें गाड़ी चलाना बहुत सेफ है करके, ठीक है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, यू कांट कीप दैट कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, राइट। सो आगे चीज गाइस, आगे हम लोग काम करते हैं, वी विल फाइंड इज बैंकिंग एंगल। सो बैंकिंग एंगल का रिप्रेजेंटेशन है गाइस, तुम लोग देखो, बैंकिंग एंगल इज नथिंग, इट्स टीटा, ठीक है। सो ये इक्वेशन मैंने 3 लिया, मैंने ये इक्वेशन को मैंने 4 लिया, ठीक है। सो बैंकिंग एंगल टीटा फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन टीटा, राइट। सो देयर फॉर जरा मैं इसको ओके ध्यान दो, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, तुम लोग देख रहे हो। सो देखो मैंने क्या किया, मैंने वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टैन थीटा, ओके। व्हाई, बिकॉज मुझे क्या चाहिए था, बैंकिंग एंगल, व्हाट इज द वैल्यू फॉर बैंकिंग एंगल इज टीटा, राइट। सो आई हैव टू कीप द टीटा, तो देखो तुम लोग मैंने क्या किया, टीटा वहां पर रखा है सामने, देखो मैंने रखा है, ठीक है। सो अब क्या करना है, ये टैन इनवर्स, कैन यू सी दिस टैन, इस टैन को मैं क्या करूंगा, इस तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, ये टैन को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, आई एम गोइंग टू रब दिस, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज टैन इनवर्स, ओके, बिकॉज ये टैन उस तरफ गया, देखो वो टैन इस तरफ गया, तो क्या होगा, टैन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टीटा, तो मुझे टीटा का वैल्यू मिल गया, दैट इज बैंकिंग एंगल, देखो दैट इज टैन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। देन गाइस अभी तुम्हारे चैप्टर में है नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्पीड लिमिट्स, ठीक है। तो ये स्पीड लिमिट्स में मैं बताऊंगा कि तुम लोगों को टीटा कैसे मिला, तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, कि हमें ये टीटा कैसे मिला, सो आई विल बी डूइंग दैट। तो स्पीड लिमिट्स में देखो गाइस बहुत सिंपल है, देखो ये जो टीटा है ना, मुझे इधर का जो टीटा है ना, दिस टीटा आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी द वीडियो इज बीइंग सो बिग, ओके। तो मैं चाहता हूँ, देखो तुम लोग स्पीड लिमिट्स मतलब क्या है, देखो अब फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, ठीक है, मैं शॉर्ट में पता गया, स्टॉप इट, फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी ऊपर जा रही है, समझो वो रुक गई, समझो वो रुक गए, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट, मतलब मैं स्लोप के ऊपर हूं, छोड़ो, या बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड लिमिट्स एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले मैं टीटा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कैसा ना, बहुत ज्यादा पड़ेगा ना, तो इट विल बी लाइक बाउंसर, ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे खाओ, तो क्या था, पचक जाएगा, ठीक है। सो एज बाय दैट सेइंग, इफ आई मेड यू हैप्पी टुडे, सीखो, यू कैन मेक एवरीवन हैप्पी, बट इफ आई मेड यू हैप्पी टुडे, ओके, इट मीन्स आई एम ब्लेस्ड, दैट इज विद माई टीचिंग, आई मेड यू हैप्पी, आई फील वेरी ब्लेस्ड गाइस। ऐसे देखो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, डोंट वरी, नहीं समझा फिर से पीछे जाओ, ठीक है। सो मेरे को था, पार्ट टू का जितना भी जो डाउट्स था वो मैंने पार्ट थ्री में क्लियर कर दिया, बहुत इजी एंड सिंपल, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि नेक्स्ट वीडियो में से और अच्छा करो, ठीक है, सो डोंट वरी, बाय, टेक केयर।